class 8. I am continuing my lecture on your chapter number 9, algebraic expression. Last lecture में हमने 9.5 exercise start की थी और first question किया था जिसके parts मैंने आपको कुछ कराए थे और कुछ ऐसे homework थे. अब उसी को continue मैं next identity बता रही हूँ जो कि second question के according है. सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी है वो आपकी है, तीन आइडेंटिटीज पहले बता चुकी हूँ, ये फोर्थ आइडेंटिटी है, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, दैट इज योर फोर्थ आइडेंटिटी. हाउ टू अप्लाई, देखो फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन. देखो आइडेंटिटी दोबारा लिखनी होती है, हमेशा क्वेश्चन के बाद आइडेंटिटी लिखनी होती है. ओके, तो आपने ये आइडेंटिटी दोबारा यहाँ लिखना. ठीक है, तो मैं इसी में दिखा रही हूँ आपको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस सेवन. तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस सेवन, बीच में ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है. ओके, x की जगह तो मेरा x ही आ रहा है, a की जगह मेरा 3 आ रहा है, b की जगह मेरा 7 आ रहा है. ऐसे ही मैं फार्मूले में पुट कर दूंगी, आइडेंटिटी में पुट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 3 बी की जगह 7 इंटू एक्स प्लस ए की जगह 3 बी की जगह 7. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इज 10 10 एक्स और 3 7 इज 21 21 दैट इज योर आंसर. ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1. 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1, मैंने आइडेंटिटी दोबारा लिखनी है, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी है जो भी यूज हो रही है. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, फिर वही आइडेंटिटी ली थी. ठीक है, अब मैं इसमें कैसे अप्लाई करूंगी, एक्स की जगह देखो 4x आ रहा है क्वेश्चन में, ए की जगह माइनस 5, एक्स की जगह 4x, बी की जगह माइनस 1, यही मैं इसमें पुट करूंगी. एक्स की जगह 4x, 4x का होल स्क्वायर हो गया, ध्यान रखना ये पूरा x कंसीडर होगा. ठीक है, ओनली x नहीं, 4x, x की जगह 4x आ रहा है तो 4x होल स्क्वायर. ए की जगह माइनस 5, बी की जगह माइनस 1, एक्स की जगह 4x, ए की जगह माइनस 5, बी की जगह माइनस 1, वो आइडेंटिटी में मैंने अप्लाई कर दिया. 4 का स्क्वायर 4, 4 था 16, एक्स स्क्वायर. अब जब 4 का स्क्वायर ले लिया तो दोबारा 16 के ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, दोनों नेगेटिव के एड अप कॉमन साइन नेगेटिव का, माइनस 5 एंड माइनस 1 इज माइनस 6, और माइनस 6 आएगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई 4x. माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है, माइनस प्लस द माइनस. यहाँ पर देखो माइनस माइनस द प्लस, प्लस प्लस द प्लस, प्लस फाइव. ठीक है, माइनस 6 फोर द 24x प्लस 5, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फिफ्थ पार्ट किया है आप लोगों के लिए. सेकंड के फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 3y. आगे वाले सेम है, पीछे वाले अलग है, तो वही फार्मूला लगेगा x प्लस ए टू एक्स प्लस बी का. आगे वाला सेम, पीछे वाला डिफर, तो वही सेम है, तो इसमें भी यही फार्मूला लगाया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. एक्स की जगह 2x है और ए की जगह 5y है, बी की जगह 3y है. ए की जगह 5y, बी की जगह 3y, एक्स की जगह 2x, पुट कर दिया. ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 5 प्लस 3 8y. ठीक है, सेम बेस है तो एड अप हो गए, 5y प्लस 3y 8y, 8y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 5 3 का 15 y बाय द y स्क्वायर. तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16xy, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 15y स्क्वायर, दैट इज योर आंसर. सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में भी ऐसे ही है, आगे वाला सेम है, पीछे वाला डिफर है, तो सेम फार्मूला इज अप्लाइड, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ए बी का मतलब ए इंटू बी होता है, पता है ना, काफी सारे सम हो गए, यहाँ ऐड हो रहा है ए बी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो x की जगह 2 ए स्क्वायर पुट कर दिया, 2 ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 2 ए स्क्वायर है, तो 2 ए स्क्वायर का स्क्वायर, x की जगह 2 ए स्क्वायर, और फिर बाहर स्क्वायर. ए की जगह 9, बी की जगह 5, ए की जगह 9, बी की जगह 5 पुट कर दिया, प्लस ए बी मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 5. 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, ये ब्रैकेट है तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 4, 9 प्लस 5 14, 14 टू द 28 ए स्क्वायर प्लस 9 5 का 45, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
थर्ड क्वेश्चन पे आती है। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज बी माइनस सेवन होल स्क्वायर। बी माइनस सेवन होल स्क्वायर को आप ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करना। ओके, सेकंड पार्ट देखो, हमारा डिफिकल्ट है एक्स वाई प्लस थ्री जेड होल स्क्वायर। तो आपको बीच में दिख रहा है प्लस साइन होल स्क्वायर है, इट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी किसमें अप्लाई हो सकती है, फॉर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो ए की जगह एक्स वाई, बी की जगह थ्री जेड। तो ए की जगह एक्स वाई प्लस टू ए बी, मतलब टू मल्टीप्लाइड बाय ए, मतलब ए की जगह एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी मीन्स बी की जगह थ्री जेड प्लस बी स्क्वायर मतलब थ्री जेड होल स्क्वायर। अब ओपन अप करेंगे ब्रैकेट, तो एक्स वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू थ्री दस सिक्स एक्स वाई जेड प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री द नाइन जेड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन का ही फिफ्थ पार्ट, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ए माइनस बी होल स्क्वायर दिख ही रहा है आपको, ठीक है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटीज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी, जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी मैंने आपको मैंशन की थी। तो ए की जगह जीरो पॉइंट फोर बी, तो ये पूरा 0.4b आपका a का a की जगह आएगा, तो होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 0.4b, b की जगह 0.5q और b की जगह 0.5q होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन अप करेंगे तो 0.4 इंटू 0.4, तो 4 4 16, वन डिजिट वन डिजिट, टू डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.16b स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू टू 0.8, 0.8 इंटू 0.5 0.8, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 8 40, वन डिजिट टू डिजिट के बाद डेसिमल, तो याद आएगा 0.40 पी क्यू पी इंटू क्यू पी क्यू प्लस 0.5 इंटू 0.5 5 5 25, दो डिजिट के बाद डेसिमल, आगे पीछे से काउंट करके लगा देने क्यू स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में तो आप ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फार्मूला लगा देना, ठीक है, और ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर ही शो करना, ए की जगह ए स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर। अब देखो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो आइडेंटिटीज इकट्ठी लग रही है, ठीक है, 2x + 5 होल स्क्वायर - 2x - 5 होल स्क्वायर। तो इसको आप फर्स्ट कंसिडर कर लोगे, इसको आप सेकेंड कंसिडर कर लोगे। पहले फर्स्ट को कैलकुलेट करोगे 2x + 5 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन अप करना, a प्लस बी होल स्क्वायर a की जगह 2x, b की जगह 5, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 5 का 10x, 5 का स्क्वायर 5 5 25। उसके बाद देखो सेकंड क्या है आपका 2x - 5 होल स्क्वायर, 2x - 5 होल स्क्वायर को आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन अप करोगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 2x, बी की जगह 5, तो ए स्क्वायर दैट इज 2x होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2x इज 2ab, अच्छा 2 यहाँ पे लगाना भूल गए, 2ab, ए की जगह 2x है, बी की जगह 5 है, 2ab, 2 टू द 4, 4 5 का 20 है। यहाँ पर भी माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 5 20, ओके। अब उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर 25, अब फर्स्ट माइनस सेकंड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट से जो आया है उसको आगे रखना है, ठीक है, और जो सेकंड से आया है माइनस लगा के उसे ब्रैकेट में पीछे रखना है, ओके, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक। आप उसके बाद ब्रैकेट ओपन अप करोगे 4x² + 20x + 25, ब्रैकेट ओपन अप करोगे माइनस प्लस द माइनस, माइनस माइनस द प्लस 20x और माइनस प्लस द माइनस। अब 25 प्लस का 25 माइनस का कैंसिल हो गया, 4x² + 4x² - कैंसिल हो गया, और 20x + 20x क्या बन जाएगा आपका 40x आपका आंसर, ठीक है। तो
तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर दो आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को पहले ओपन अप करना, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन अप करना, फिर फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना। फर्स्ट वाला जो है उसको आगे रख के माइनस, सेकंड वाला जो है उसको पीछे रख के ब्रैकेट ओपन अप करना, साइन चेंज करना अंदर वालों के, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, जो कैंसिल हो जाए ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स पार्ट देखो, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी को सिंप्लीफाई करना है। पहले मैंने इसको ओपन अप करना है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखो ये जो आपका फार्मूला होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, ये टर्म ऐसे कैसे लिख दी, इसको मैंने होल स्क्वायर को ओपन अप कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओके। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको ओपन अप कर दिया, प्लस टू वन और वन पावर, बी की पावर वन, बी की पावर वन, तो वन और वन टू हो गया, ए वन ही है सॉरी, ठीक है, ए के ऊपर तो ए ए की है, ये ए ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर पावर वन लगाओ या ना लगाओ अपनी मर्जी है, कुछ नहीं है, मतलब पावर वन ही है, ठीक है, सी, ठीक है। अब ये आपका बाहर ही एक टर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसल आउट होगी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, टू टू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसल आउट, सेम बेस है, सब्ट्रैक्ट हो गया, टू माइनस टू जीरो, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही पार्ट्स है सारे के सारे, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट वो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। देखो आपको मैंने आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही में से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज योर थर्ड आइडेंटिटी, जो पहले पहले शुरुआत में बताई थी, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स आए थे उसमें, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोले या ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी बोले, एक ही बात है, थ्री इंटू फोर भी ट्वेल्व होता है, फोर इंटू थ्री भी ट्वेल्व होता है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू, ठीक है ना, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी अप्लाई हुआ है। अब ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब है वन ए स्क्वायर, माइनस वन ए स्क्वायर का मतलब है माइनस वन ए स्क्वायर, तो ए वन माइनस वन तो जीरो ही होगा ना, तो वन लगाओ या ना लगाओ अंडरस्टूड है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज जीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज जीरो, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज जीरो, द आंसर इज जीरो, यही आपको वेरीफाई करना था, प्रूव करना था। अब आप लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन करके सेंड कर देने हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हो तो वो भी सेंड कर देंगे, ओके, थैंक यू।